लो टेक चार्जर स्टैक बुलेटिन का नया एपिसोड आप सबके लिए लेके आ गए हैं। रियलमी ने GT न्यू 3T आज लॉन्च कर दिया है। ट्विटर का एडिट बटन पब्लिक के लिए आने वाला है, डेट आज अनवील हो चुकी है। उसके अलावा मोटरोला ने E22 सीरीज आज लॉन्च की है यूरोपियन मार्केट में, और भी बहुत सारे अपडेट मिलेंगे आज के बुलेटिन में। तो बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है वीडियो में। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। आदत से मजबूर है, एपिसोड की शुरुआत करेंगे नए लॉन्च से। Realme GT New 3T लॉन्च हो गया है इंडिया में। ये 5G फोन 23 तारीख से फ्लिपकार्ट पर परचेज किया जा सकेगा। 7000 रुपए का इस पर पहले ही ऑफ अनाउंस हो चुका है। 22999 रुपए इसकी प्राइस है। आपको बता दूं 8GB रैम है इसमें, ट्रिपल रियर कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का AI सेंसर आपको मिल सकेगा, 5000mAh की बैटरी है और 65W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इस फोन में मिल रहा है। Qualcomm Snapdragon 870 5G चिपसेट पर फोन काम करेगा। ट्वीट करने के बाद में आपको एहसास हुआ कि इसमें तो कुछ कमी रह गई, तो एडिट नहीं कर पाते थे, डिलीट करके दोबारा करना पड़ता था। लेकिन इसका बीटा वर्जन टेस्ट हो चुका है, अब ये पब्लिक के लिए आने वाला है। ऐसे रूमर आ रहे हैं कि 21 सितंबर को इसे कंपनी लॉन्च करने वाली है। न्यूजीलैंड में तो कुछ ब्लू टिक वाले यूजर्स को ये सहूलत मिल भी चुकी है। आपको एक बार याद दिला दूं कि इसमें होगा क्या, कोई भी ट्वीट पहले 30 मिनट के अंदर आप 5 बार यूजर उसे एडिट कर पाएगा, उसके बाद नहीं। लेकिन जितनी भी एडिशन होगी वो यूजर को एसेसिबल होगी, उसे पता रहेगा कि उसने कौन कौन सी चीजें एडिट की है। अब दोस्तों आप में से कितने लोगों का इसका इंतजार है नीचे कमेंट करके बताइए। इन खबरों के अलावा भी अभी एपिसोड में बहुत कुछ बाकी है, लेकिन पहले बात करते हैं पोल के बारे में। कल मैंने आपसे पूछा था कि कलर चेंजिंग रियर पैनल वाला कोई फोन आप लोगों ने यूज किया है। आप लोगों ने 67% लोगों ने कहा है कि हाँ, जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतने ज्यादा लोग ऐसे फोन यूज कर पाए होंगे, जबकि 33% लोगों ने कहा है कि नहीं यार, अभी तक तो यूज नहीं किया। टीनेजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए लगभग सभी सोशल प्लेटफॉर्म पैरेंटल कंट्रोल देते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम ने आज इंडिया में एक नया फीचर रोल आउट किया, इसका नाम है सुपरविजन। ये होगा क्या, टीनेजर और पेरेंट दोनों के बीच में अगर सुपरविजन अलाउ किया जाएगा तभी ये काम करेगा। पेरेंट को उनकी एक्टिविटीज के बारे में पता रहेगा, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी उसको रिजेक्ट कर देता है, डिसअलाउ कर देता है, तो फिर ये पूरी तरीके से जो पेरेंटल कंट्रोल है वो दोनों के बीच में बना नहीं रह सकेगा। अब इस एक नए फीचर के बाद में क्या पेरेंट्स से एक बार फिर से जो नकेल है उसे वापस लेने की कोशिश है? नीचे बताइए कमेंट करके आपको क्या लगता है। क्वालकॉम का अगला फ्लैगशिप मोबाइल प्लेटफॉर्म यानी कि स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 टिप हो गया है ऑनलाइन अपनी फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटी के साथ में। नए टिप के बाद पता चल रहा है कि ये चिपसेट मोबाइल के अंदर 3.5 GHz फ्रीक्वेंसी दे सकेगा, यानी कि फोन दे पाएगा कम से कम 3.5 बिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, काफी फास्ट होने वाला है। वैसे अगर एक्सपेक्ट किया जाए तो बताया जा रहा है कि IQ की 11 प्रो और साथ में Xiaomi की 13 सीरीज में ये मिल सकता है। अगर आपसे कहूं कि वाईफाई का सिग्नल देख के बताइए, कहीं गैस लीक हो रही है उसे देख के बताइए, तो आप क्या कहेंगे, पागल हो क्या, इनविजिबल चीजें भी कहीं दिखती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये मुमकिन हो सकती है। अपडेट आ रहा है कि एप्पल के नेक्स्ट जनरेशन मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट में ये मिल सकेगा। अब दोस्तों कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन एप्पल किस कदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मिक्स्ड रियलिटी का इस्तेमाल करने वाला है कुछ इससे समझा जरूर जा सकता है। मोटरोला ने ई सीरीज के 2 एंट्री लेवल फोन E22 आज यूरोपियन मार्केट में लॉन्च कर दिए। 8999 रुपए से शुरुआत हो रही है। इसमें Helio G37 चिपसेट मिलेगा, 16 मेगापिक्सल का है प्राइमरी सेंसर और सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का, 4020mAh की इसमें बैटरी भी मिल रही है। अब फोन दोस्तों यूरोपियन मार्केट के अलावा इंडिया में भी आ सकता है, इसके बारे में कोई अभी अपडेट नहीं आया है। जैसे जैसे iPhone 14 अब हाथों में आ रहा है तो बहुत सारी इसकी परतें खुलती जा रही है। नया पता चला है कि iPhone 14 में पिछले सभी प्रेडेसेसर के मुकाबले में जो बैक ग्लास पैनल है ना वो रिमूव करना काफी इजी है, जिससे कि इसके रिपेयरिंग कॉस्ट काफी घट जाएगी। साथ में इस फोन के अंदर 2-2 एम्बिएंट सेंसर भी यूज किए हैं। एंड्रॉइड 13 और उस पर बेस्ड जितनी भी कंपनियों की UI है वो धीरे धीरे फ्लैगशिप फोन्स पर अब अनवील होना शुरू हो गए हैं। इंडिया में अपडेट आ रहा है कि सैमसंग ने गैलेक्सी S21 सीरीज पर रोल आउट कर दिया है One UI 5.0 अपडेट, जो कि एंड्रॉइड 13 बेस्ड है। तो अगर आपके पास इस सीरीज का कोई भी फोन है ना,
तो चेकआउट करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंटरनेट की दुनिया जितनी मजेदार है उतने ही कभी कभी तकलीफ भी देती है, क्योंकि हैकर्स अपनी निगाह गड़ा के बैठे रहते हैं, जहां मौका मिलता है सेंध मारी कर देते हैं। वर्डप्रेस की 280,000 वेबसाइट्स ग्लोबली अटैक की गई है जीरो डे वल्नरेबिलिटी से। 30 दिन के अंदर तकरीबन 4.6 मिलियन अटैक्स किए गए हैं और इन वेबसाइट्स के एडमिन चेंज कर दिए गए अलग अलग लोकेशन पर, ताकि इनसे बहुत सारी चीजें चोरी की जा सके और हैकर जो चाहते हैं वो कर सके। और आखिर में बात करते हैं मजेदार प्रमोशन के बारे में। गूगल का पिक्सल 7 आने वाला है 7 अक्टूबर को, लेकिन उससे पहले कंपनी ने एक मजेदार और जोरदार प्रमोशन शुरू कर दिया है जापान में, जहां पे की कंपनी चिप्स के पैकेट बनाकर उन्हें सेल कर रही है, जिससे कि जो कंपनी के फोन के जो आने वाले सीरीज के कलर वेरियंट है वो कम से कम कस्टमर्स को पता चल सके और एक हवा इस फोन की बन सके। बाकी दोस्तों ये थे अपडेट, आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार जो है हमारे साथ बना के रखिए। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। हिंदुस्तान जिंदाबाद।